टाइम कम है, पैकिंग भी करनी है। रास्ते के लिए कुछ ज़रूरी सामान, जैसे कि मुझे रास्ते में मेरी फिटनेस अपडेट रखने के लिए मेरा माई बैंड, मेरा गोरिल्ला पॉड मेरी व्लॉगिंग के लिए, मेरा मिनेसो का हेडफोन जो मुझे रास्ते में बहुत काम आएगा, मेरा लैपटॉप जो मेरी एडिटिंग में काम आएगा, और शशके तो फिर पूरे रखने हैं ना, तो मेरा गिटार मेरा साथी। नाश्ता तो बहुत ज़रूरी है, सो लेट्स ब्रेकफास्ट इन बेड विद खास टी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तलाक खानदार और ये है मेरा पहला ब्लॉग। ब्लॉगिंग तो मैंने बहुत सालों से सोची भी थी कि करूँगा, शौक था मुझे, लेकिन कुछ था नहीं मेरे पास, फैसिलिटीज नहीं थी, टाइम नहीं था, उसके अलावा क्वालिटी नहीं थी मेरे पास। कैमरा था लेकिन फ़ोन का था ना, मुझे सिनेमाटोग्राफी आती थी ना, मुझे फिल्म मेकिंग आती थी ना, एडिटिंग आती थी। लेकिन उसके बाद मैंने सीख सीख कर टाइम जोड़ जोड़ कर दोबारा कोशिश की। व्लॉगर्स बहुत तरीके के होते हैं, कुछ होते हैं फ्री स्टाइल, कुछ ट्रैवल व्लॉगर्स होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन मुझे पसंद है कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है उसको मैं कैप्चर करूँ और आपको दिखाऊँ। आपको पसंद आए या ना आए, उम्मीद तो यही है कि आपको आएगा। इस व्लॉग के अंदर हम एक गाँव के अंदर जाएंगे, उसका नाम है विहाड़ी। वहाँ पे हमने करनी है हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग मुझे उसकी सिर्फ बेसिक्स आती हैं, किस तरह हॉर्स राइडिंग की जाती है। चलते हैं, मजा आए। जब रास्ते में मंजर अच्छा ना हो तो मैं कैमरा निकालना पसंद नहीं करता। विहाड़ी पंजाब, बहुत खूबसूरत मंजर था, खुदा की कुदरत और सुकून। यहाँ पे मैं बिल्कुल आसानी से बिना किसी परेशानी के पहुँच गया और मैं अपने सफ़र को निकल पड़ा। वहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ ज़मीनें और हरियाली नज़र आई, बहुत खूबसूरत मंजर था। और यह है एक डेरा, जिस तरह हमारे बंगलात घर महल होते हैं, ये किसानों का महल होता है। यहाँ पे वो रहते हैं और सुकून से खेतीबाड़ी करते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ था देखने को, मंजर, जगह, जानवर। ये हैं इस जगह के मालिक। यहाँ पर बहुत से जानवर मैंने देखे, इसके अंदर एक घोड़ी भी थी, उसी पे हमने घुड़सवारी करनी थी। उस घोड़ी का नाम था मोरनी। बहुत खूबसूरत, तो मैंने सोचा कि पहले मोरनी को समझ लिया जाए और मोरनी मुझे समझ ले। तो मैंने मोरनी की टेस्ट ड्राइव ली।
और ये है मोरनी के मालिक, मोरनी जिनके इशारे पर चलती है। तो मैंने कहा पहले मोरनी पर बैठ के मोरनी को समझ लें, उसके बाद मोरनी को भगाएंगे। तो मैंने कल पढ़ा एक टेस्ट ड्राइव के लिए, इस टेस्ट ड्राइव में मैं मोरनी को किसी हद तक समझ चुका था और मोरनी मुझे। बस फिर मैं और मोरनी निकल पड़े। मैंने मोरनी को किसी हद तक समझ भी लिया था, लेकिन शायद मोरनी मुझे नहीं समझ पाई थी। मोरनी को संभालना काफ़ी मुश्किल हो गया था, लेकिन मोरनी की एक ख़ास बात थी, जब वो भागती थी और अगर काबू में नहीं आती थी तो उसको एक बात कहते थे, मोरनी रुक जा, वो रुक जाती थी। बस फिर मैंने मोरनी को पकड़ा और भगाया। इस समय मोरनी ने काफ़ी दफ़ा मुझे नीचे गिराने की कोशिश की, उसके गिराने का अंदाज उसकी गर्दन नीचे करना था, लेकिन मैं कंट्रोल करता गया और करता गया। फिर मैंने कहा चल मोरनी बस इतना ही। इस मंज़र को मैं बहुत याद करूँगा, इन जानवरों को, इन लोगों को, इस जगह को। यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, और यहाँ की सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे याद आएगी वो मोरनी। मोरनी से एक इश्क हो गया था, और इन जानवरों और इस जगह से भी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए खुदा हाफिज़।